नहीं नहीं गुस्से में नहीं सर, ये टुकड़ो टुकड़ो ज्ञान का धर्म है क्या? भारत को टुकड़ा टुकड़ा करने तक हमारा जंग जारी रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफजल गुरु जिंदाबाद, हमें शर्मिंदा है कि अफजल तेरा कातिल जिंदा है ये कहने वाला लोगों का कि इस देश में रहने का अधिकार है, उनको सपोर्ट करने वाला लोगों सर, कौन इनको सपोर्ट करता है? इंट्रोस्पेक्ट करो सर। जिनको हमारा प्रिय भारतीय पावन भूमि में प्यार नहीं है, जिनको भारत की आजादी और अखंडता स्वीकार नहीं है, जिनको भारत की वंदे मातरम स्वीकार नहीं है, क्या उनको भारत में रहने का अधिकार है? सर, देश का करदाताओं की अर्थ का श्राद्ध करते हुए विदेश में रहने वाले एक नेता हमारे एक बार कहते थे कि हमारा न कोई राष्ट्र है, हमारा न कोई संस्कृति है, हमारे न कोई देश है, हमारा उमा देश है, हमारा राष्ट्र संघ है, जैसे कि अमेरिका में राष्ट्र संघ है, ऐसा वो कल्पना करते थे, और हमारा मिली जुली संस्कृति है। भारत की परंपरा के बारे में उनको कोई नहीं है ज्ञान। ये प्रधानमंत्री बने थे लेकिन भारत की परंपरा, उनको भी कई इंटेलिजेंस सपोर्ट किया है, कई राजनेता सपोर्ट किया है। मैं साफ साफ कहता हूं कि हमारा एक देश है, हिमालया तमारव्य यावत इंदु सरोवरम तंगदेव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमादे सैव दक्षिणम वर्षं तद् भारतं नाम भारती यत्र संतति। इस भूमि में जन्म होने के लिए सर देवताओं ने भी तपस्या किया है। ये पावन भूमि जिसके बारे में वेद कहते हैं माता भूमि ही पुत्र हम पृथिव्या। भगवान श्री रामचंद्र लंका का स्वर्णिम सिंहासन को छोड़ करके लक्ष्मण और विभीषण को बताया मुझे ये स्वर्ण सिंहासन नहीं चाहिए, उन्होंने निवेदन किया था यहाँ शासन करो, लंका को छोड़ करके बताया अपि स्वर्णमयी लंका नमय लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयते। सर भगवत्पाद आचार्य शंकराचार्य ने इस भूमि का वंदन करते हुए बोले प्रातः स्मरामि शुभदांग वरदांग वरेण्यम सिंदूरमी धौत चरणम सुधियाम शरण्यम। स्वामी विवेकानंद बोले थे आगामी 50 साल तक छोड़ दो बाकी सब देवताओं को, भारत माता हमारा जीता जागता राष्ट्र देवता है। भारत माता पशुबलि नहीं चाहती है, नरबलि चाहती है, सहस्त्र युवक बलि दे दो और उनके आह्वान पर लाखों नवयुवक युवाएं आकर के फांसी की फंदा को चुमा, वंदे मातरम के पंचाक्षरी मंत्रोच्चार के भारत गगन को प्रकंपित करते हुए फांसी का फंदा को चुंबन किया अथवा ब्रिटिश वाहिनी के साथ लड़ करके अपने को खंडित कर दिया। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, खुदीराम, दिनेश गुप्त, विनय बोस, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, प्रीति लता देवी, स्वर्ण लता देवी, अस्ताक उल्ला खां, बागा जतीन सारे समर्पित कर दिए। मुझे दया आती है आपका ये कमेंट पर, मुझे दया आती है। माने समझे में बहुत माने समझे, आपको मालूम है इतिहास पढ़ो, इतिहास पढ़ो, इतिहास पढ़ो, तब बीजेपी अस्तित्व में नहीं है। माने सदस्य सही शुरू हो जाते हैं, केवल माने सदस्य के अलावा कोई रिपोर्ट भी नहीं आएगा। महिमा माने सदस्य आपका असहिष्णुता वास्तविक दयाजनक है, लज्जाजनक है। सर 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 मुझे दया आती है, ये क्या बोलते हैं नहीं जानते, देश की क्रांतिकारियों का महिमा बखान सुनते भी असहिष्णु हो जाते हैं। सर तब तक क्रांतिकारी थे लेकिन आज बंगाल की भूमि में संत्रासवादी निकले जो गणतंत्र को हत्या करने वाले। सर 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 मैं कहना चाहता हूं सर, स्वामी राम माने सदस्य, माने स्वामी राम सिंह तो बोले मैं हूं भारत माता, माने सदस्य सोता हूं माता सो जाए, माने सदस्य चलता हूं माने सदस्य, मैं जागृत होने से माता जागरिता होता है और हिमालय मेरा मुकुट है, कन्याकुमारी मेरा चरण द्वय, सौराष्ट्र गंगा सागर मेरा प्रसारित भुज द्वय। सर श्री अरविंद बोले बेटे बेटे मत बोले, माने भारत माता न केवल मृत्तिका का विस्तार है, भारत माता महाकाली महालक्ष्मी महा सरस्वती माहेश्वरी स्वरूपिणी माने सदस्य भारत माता, उनका चरण बल्कि हृदय की सोच से भारत माता का माने बेटे, प्लीज माने प्लीज माने बेटे, प्लीज माने बेटे, प्लीज माने बेटे, प्लीज माने बेटे, प्लीज माने कमला कमल दल बिहारी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम मातरम वंदे मातरम। सर और रवि ठाकुर बोलते हैं भारतेर महामानवेर सागर तीरे, सर भारत माता का वंदना जब करोड़ों देशवासी बोलते हैं भारत माता की जय वंदे मातरम भारत।